आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, तो आप इस न्यूमेरिकल में पूछा है कि एक त्रिज्या का एक गोला समान रूप से आवेशित है ना, आवेश नहीं होगा आवेशित है, जिसका प्रश्चय घनत्व सिग्मा है। गोले के केंद्र से आर दूरी पर विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करें जब आर की वैल्यू ए से कम है और दूसरा आर की वैल्यू ए से ज़्यादा है। तो देखिए, जो आपको कंडीशन दे रखी है ना, तो देखिए जो आप कंडीशन दे रखी है, डायग्राम बनाए, ये आपके पास गोला है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी आपके पास ए है, ठीक, इस प्रकार से ए, ठीक, और गोले पर आवेश घनत्व दे रखा है सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा क्या होगा आपके पास, आवेश बटा आपके पास एरिया क्षेत्रफल है ना, तो कितना होगा 4πa2, ठीक। तो अपने को गोले के केंद्र से दो बिंदु हैं, दो पॉइंट हैं, एक तो जब आर की वैल्यू ए से कम है, ठीक है ना, मान लीजिए इसको पी बोल देते हैं, यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी आपके पास स्मॉल आर, ठीक। तो ये यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अगर आपके पास गोला है जो चालक है ना, गोला कैसा आपके पास चालक, ठीक, चालक। तो अगर चालक की बात करें है ना, तो जो भी आवेश होगा वो केवल आपको इसकी सतह पे मिलेगा, ठीक है ना, इसकी सतह पे मिलेगा, अंदर की ओर कोई आवेश नहीं होगा, ठीक। तो यानी कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर देखें अपन, जो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा जीरो। किस प्रकार से होगा, जैसे गॉस थ्योरम आपके पास वो क्या कहती है, इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू इन बटे एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब क्या है कि जैसे अगर आप यहाँ पर ए पॉइंट है ना, तो यहाँ पर एक गोली है, सॉरी मान लीजिए एक अपन सरफेस लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है, क्या कौन सा सरफेस बोलते हैं इसको, गॉसियन सरफेस, यानी कि शॉर्ट में लिखे तो जी एस। तो यानी कि इस सरफेस के अंदर कितना आवेश होगा, जो इसके अंदर बंद है वो होगा जीरो, ठीक है ना। इसकी वजह से क्या होता है आपके पास चालक के लिए अंदर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है ना। अगर मान लीजिए आपके पास पॉइंट क्यू, यहाँ पर फील्ड निकालना है, और इस बार आपके पास केस क्या है दूसरा, कि दूसरी, ये तो आपके पास पहला केस है जब आर की वैल्यू यानी कि जो पॉइंट है उसकी वैल्यू ए से कम, यानी कि त्रिज्या से। दूसरे केस की बात करें तो उस केस में अगर आर की वैल्यू ए से ज़्यादा है ना, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ये, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो देखिए, अगर इस बिंदु पे निकालनी है तो गॉसियन सतह ले अपन, है ना, इस बिंदु के लिए वो इस प्रकार होगी, ठीक है, इस प्रकार से आपके पास क्या बनेगी, गॉसियन सतह बनेगी, ठीक, बाहर वाले बिंदु के लिए। तो अब फिर से क्या करें अपन, इसमें गॉस फॉर्मूला यूज करें, तो क्या होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए बराबर चार्ज इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी ए, डी ए का मतलब एरिया कितना हो जाएगा इसकी, दूरी कितनी आपके पास आर, तो यानी कि हो जाएगा इसका क्षेत्रफल 4πr², है ना, और चार्ज यानी कि कितना चार्ज बंद होगा आपके पास, सिग्मा इंटू 4πa² के, है ना, यहाँ से क्यू निकाले तो सिग्मा इंटू 4πa² के, 4πa² अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक। तो यानी कि यहाँ, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी आपके, ठीक है, कितना बचेगा आपके पास, सिग्मा ए स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ये होगा विद्युत क्षेत्र आपका बाहर की ओर। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।